वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल डेल्टा ट्रेडिंग ऑफिशियल में। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे क्रूड ऑयल की इस वीक कैसी मूवमेंट थी, और वीकली और डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे कि आने वाले वीक्स में हमें कहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकती है, और साथ ही साथ लास्ट में बात करेंगे कि मंडे के लिए ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाते हैं जिनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हमें बहुत अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, जहां पे आपको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शंस की वीडियो मिलती है, और साथ में हर सैटरडे को हम वीकली एनालिसिस डालते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और संडे को क्रूड ऑयल की वीकली एनालिसिस और नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ऐसे एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब। दोस्तों अब अपन आ गए वन वीक के टाइम फ्रेम में, और अपन को देखने को मिला था पिछले वीक की हमें ये वाले लेवल का ब्रेकआउट हो गया था जो कि था 6800 का एक साइकोलॉजिकल लेवल, और उसके बाद हमें दो रीटेस्ट कैंडल भी देखने को मिल चुकी है और ये रीटेस्ट भी हमें देखने को मिल गया है। तो अगर जो अपना अगला मूवमेंट देखने को मिलेगा वो अगर इस वीक का हाई जो निकालेगा जो कि अराउंड 7000 के लेवल के आसपास का, तो अगर उसके ऊपर निकलेगा तो हमें यहां तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक अपसाइड की मोमेंटम अपन को देखने को मिल सकती है अगर ये लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो। अब चलिए चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में और वहाँ देखेंगे कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहाँ तक अपन को टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों अब अपन आ गए डेली टाइम फ्रेम में। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि अपसाइड की मोमेंटम अपन को कहाँ देखने को मिलेगी। अगर डेली टाइम फ्रेम में इस लेवल के ऊपर अपन को क्लोजिंग देखने को मिलेगी जो कि है 7028 के लेवल, तो एक हमें अपसाइड का मोमेंटम वापस से देखने को मिल सकता है, जिसमें कि अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा पहले ये वाला लेवल जो कि आपको देखने को मिलेगा, ये लेवल जो कि है 7271 का, और यहाँ पे आपको एक गैप देखने को मिलेगा। तो अगर ये लेवल के भी ऊपर जाता है 7271 के लेवल के ऊपर तो हमें एक गैप फिलिंग देखने को मिलेगी, जिसके बाद सीधे जो अगला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो मिलेगा फिर सीधे हमें ये वाला लेवल जो कि है अराउंड 7728 के आसपास का लेवल। यहाँ से हमें तीन बार रेजिस्टेंस लेके डाउनफॉल देखने को मिला है क्रूड ऑयल में, तो ये अपना सेकंड टारगेट रहेगा। और अगर इसके ऊपर भी निकलता है तो सीधे जो अपना अगला टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर ये वाला लेवल जो कि है अराउंड 8090 के आसपास का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे अपसाइड में अगर 7028 के लेवल को अपसाइड में ब्रेकआउट करता है क्रूड ऑयल तो। अब चलिए देखते हैं डाउनसाइड की मोमेंटम अपन को कहाँ देखने को मिलेगी। डाउनसाइड में अगर ये वाला स्विंग लेवल डाउनसाइड में ब्रेकडाउन करेगा जो कि है 6011 का लेवल, तो एक हमें यहाँ से डाउनसाइड की मोमेंटम देखने को मिल सकती है, क्योंकि आपको पहले देखने को मिलेगा जब इसके ऊपर था तो यहाँ पे हमें सपोर्ट देखने को मिला था, और जैसे ही इस लेवल के नीचे आया यहाँ हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिला था। तो एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है अगर इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन करेगा तो हमें आ रहा सीधा टारगेट पहले ये वाला लेवल रहेगा जो कि अराउंड 5551 के आसपास का, और अपना फाइनल टारगेट रहेगा ये लेवल जो कि है 5290 के आसपास का। तो ये अपना डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस था कि अपन को आने वाले दिनों में कहाँ पे क्रूड ऑयल मूवमेंट करते हुए देखने को मिल सकता है जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे। अब चलिए चलते हैं 30 मिनट्स के चार्ट में और वहाँ देखेंगे कि मंडे के लिए ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाते हैं जिनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे एक हमें इंट्राडे में बहुत अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अब अपन आ गए 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। सबसे पहले अपन बात करेंगे अपसाइड की मोमेंटम अपन को कहाँ देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी क्रूड ऑयल का ट्रेंड अपसाइड है इसीलिए। तो अगर ये लेवल ब्रेकआउट करेगा मंडे के दिन जो कि है 6788 का लेवल, तो एक हमें यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जिसमें कि अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा पहले ये लेवल जो कि अराउंड 6812 के आसपास का, और अगर इसके ऊपर भी निकलता है तो सीधे जो अपना अगला टारगेट बन के आ रहा है वो है ये वाला लेवल जो कि है 6845 का लेवल, और जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा जहाँ पे क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है वो रहेगा फिर ये वाला लेवल जो कि अराउंड 6890 का लेवल, और अपना फाइनल टारगेट रहेगा ये वाला लेवल जो कि अराउंड 6915 के आसपास का, और इसके ऊपर अपन को 7000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे अपसाइड में अगर 6788 को अपसाइड में ब्रेकआउट करता है तो। अब चलिए देखते हैं डाउनसाइड की मोमेंटम अपन को कहाँ देखने को मिलेगी। डाउनसाइड में अगर ये वाला लेवल ब्रेकडाउन करेगा जो कि अराउंड 6624 के आसपास का, तो एक हमें यहाँ पे डाउनसाइड की मोमेंटम देखने को मिल सकती है, जिसमें कि अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा पहले ये वाला लेवल जो कि है 6574 के आसपास का, और अगर इसके नीचे भी जाता है तो सीधे फिर अपना सेकंड टारगेट रहेगा पहले ये वाला लेवल जो कि है 6543 का लेवल, और अपना फाइनल टारगेट रहेगा ये वाला लेवल जो कि है अराउंड 6507 के आसपास का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे डाउनसाइड के अगर 6624 को डाउनसाइड में ब्रेकडाउन करता है तो। अगर इस रेंज में ट्रेड करें तो हमें यहाँ पे कोई भी अच्छी मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे अपन को साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए ऐसे जोन में ट्रेड करने से बचे जहाँ अपन को कोई भी ट्रेंडिंग मूव देखने को ना मिले, और किसी डायरेक्शनल मूव के लिए या तो पहले अपन इस लेवल के ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे जो कि है 6788 का लेवल अपसाइड में, और डाउनसाइड में अगर ये वाला लेवल ब्रेकडाउन होगा जो कि है 6624 का लेवल, तो एक हमें बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे क्रूड ऑयल। अब चलिए देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बन के आ रही है तो उसे भी अपन मार्क करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि अपन को ट्रेंड में आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम ना पड़े। तो इसीलिए अगर अपन यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाना शुरू करें और अगर ऐसे एक्सटेंड कर दें तो यहाँ पे एक अपन को एक अच्छी परफेक्ट ट्रेंड लाइन बनते हुए देखने को मिल रही है, जिसमें कि जब भी
क्रूड ऑयल इस ट्रेंड लाइन के पास ट्रेड होते हुए देखने को मिला, हमेशा उसे वहां से एक डाउन साइड का मोमेंटम ही देखने को मिला है। और इसी ट्रेंड लाइन के आसपास हमें इस वीक में क्लोजिंग देखने को मिली है लास्ट वीक में, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन हो जाती है। अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ और साथ ही साथ 6788 का भी ब्रेकआउट होता है लेवल का, तो एक हमें बहुत अच्छी अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। अगर डाउन साइड की ट्रेंड लाइन की अगर अपन बात करें, तो अगर अपन इस पॉइंट से अगर एक ट्रेंड लाइन मार्क करें और अगर ऐसे एक्सटेंड कर दे, तो डाउन साइड में भी एक अपन को एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। तो अगर ये डाउन साइड की ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होती है और उसी के साथ साथ 6624 का लेवल भी ब्रेकडाउन होगा, तो एक हमें डाउन साइड में भी एक मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो इन दोनों ट्रेंड लाइंस को आप अपने चार्ट पे जरूर मार्क करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेवल्स और एनालिसिस समझ में आएगा और आप इन लेवल्स को अपने चार्ट पे मार्क करके रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से एजुकेशनल यूज के लिए मार्क करेंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।